अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शौकत महमूद। प्रोग्राम चलते चलते में आज हम पहुंचे हैं गुलशन रावी अलियास दुब्बा कढ़ाई। ये दुब्बा कढ़ाई और दीगर इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। तो आपको बताते हैं कि इनकी क्या क्या खसूसियात हैं और किस तरह से ये तैयार करते हैं और क्या माहौल है यहाँ पे, सिटिंग का किस तरह का है। तो आइए आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद परवेज। परवेज साहब, ये बताइए कि ये कब से आपने शुरू किया हुआ? काफ़ी अर्सा हो गया जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह पे? हाँ, इस जगह पहले एक ब्रांच हमारी मेन ब्रांच टाकड है, ये दूसरी ब्रांच है, तीसरी डिफेंस है, चौथी ई एम जी। चलो माशाल्लाह जी। तो अपना बताएंगे कि आपके यहाँ पे ये जो दुम्बा कढ़ाई है, ये तो आपकी स्पेशलिटी है ही। जी जी। इसके अलावा ये नमकीन टिक्का होता है हमारे पास, रोश है जी, कीमा है, सुलेमानी कढ़ाई है, शनमारी कढ़ाई है जी। तो लोग खाना पसंद करते हैं। सही। तो नाज़रीन, अभी हम आपको दिखाते हैं अंदर का इनका सिटिंग एनवायरनमेंट क्या है। कुछ म्यूज़िक की आवाज़ें भी आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये आप क्या तैयार कर रहे हैं जनाब? ये हम नमकीन टिक्का तैयार कर रहे हैं। नमकीन टिक्का? हाँ जी। ये भी नमकीन टिक्का होता है, दम रोस्ट होता है हमारे पास। अच्छा। सुलेमानी कढ़ाई है, शनवारी कढ़ाई है, कीमा है। हाँ। वो उसमें भी हम लोग जो है शनवारी पकाता है, सुलेमानी पकाता है। ठीक है। दुम्बा जो होता है, साबित दुम्बा होता है क्या ना, उसमें हम चावल पका डालते हैं। बटेरा जो भी उसका कस्टमर का जो भी बोलेगा, मैं वो लगा कर फिर उसको भाई को पका कर देते हैं। जी ठीक है जी। जी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अभी आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से फ्रेश दुम्बा और बकरे वगैरह का गोश्त जो है वो बना के फिर उसके कढ़ाई वगैरह तैयार करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि फ्रेश दुम्बा बकरा वगैरह का गोश्त जो है वो कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक लेके यहाँ पे कितने अड्डे लगे हुए हैं, ये सब इसको तैयार कर रहे हैं और तैयार करके उसके बाद ये उनको सर्व करते हैं। ये यहाँ का बहुत ही मशहूर होटल है जिस दुम्बा कढ़ाई के लिए, दुम्बा और बकरा कढ़ाई। तो आइए अब आपको आप लिए चलते हैं और अंदर का माहौल दिखाते हैं।
वालेकुम सलाम। खाना खाने के लिए आए? बिल्कुल। खा चुके हैं या खाना है अभी? अभी खाना है, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। तो ये कैसा इनका ये बकरा लाजवाब है जी। अच्छा, समझे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब कहाँ से आए? ये करीब से रावी रोड से। एंजॉय करें आप खाना, एंजॉय करें। नाज़रीन, देखा आपने, बड़ा ही यूनिक किस्म का माहौल है यहाँ पे। एक बड़ी रूहानी किस्म की महफिल बेपा है और इसके साथ साथ इस लोग जो अपना खाना भी एंजॉय कर रहे हैं और इनका खाना भी लाजवाब है और यहाँ की एनवायरनमेंट भी बड़ी लाजवाब है। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग जो खा रहे हैं इनसे आपकी बात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्बास नाम है। अब्बास साहब, आप यहाँ क्या खाने के लिए आते हैं? कढ़ाई खा रहे हैं। दुम्बा कढ़ाई जी। तो कैसी इनको? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मंजर अब्बास। मंजर साहब, ये बताइए कि यह रियास दुबाकड़ा आप पाए हैं गुलशन रावी में? जी जी। तो कैसा पाया आपने टेस्ट में? जी माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है जी। बस थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन खाना बहुत मज़े का है इनका माशाल्लाह। सही है जी, फ्रेश तैयार करते हैं तो कोई टाइम लगता है उसमें? जी बिल्कुल। शुक्रिया जी। और ये आपके साथ हैं या? जी मेरे फ्रेंड है जी। अच्छा, फरहान साहब हैं, आज़म साहब हैं मेरे फ्रेंड जी। आज़म साहब आप कहाँ से हैं? यहाँ से ही हैं आप? गुलशन रावी। आप फरहान साहब आप जी इंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा टेस्ट इंजॉय करें जी, अपना खाना इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? वकार यूनस। वकार यूनस साहब, ये बताइए कि खाना खा चुके हैं आप? नहीं अभी नहीं खाया, अभी आना। अच्छा, अभी इंतज़ार में है। चलिए जी, खाना खा ले। वैसे आप पहली दफ़ा आए हैं या पहले भी आते रहते हैं? नहीं, हम अक्सर आते हैं, अक्सर आते हैं। अच्छा, तो कैसा है इनका म्यार, इनका खाना टेस्ट? बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ जी बहुत अच्छा। ये दोस्त हैं आपके? चले जी, इंजॉय करें जी, आप अपना खाना इंजॉय करें जी। आपका नाम? मेरा नाम रिजवान बशीर। रिजवान साहब, ये बताइए कि इनका ये अलियास दुबा कढ़ाई एक बड़ी मशहूर मतलब ये रेस्टोरेंट है, तो इसके बारे में कैसा आपने पाया? हम तो काफ़ी टाइम से, गुज़िश्ता 3 से 4 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं। पहले हम आते थे ये ट्राक अड्डा में जो इनकी ब्रांच थी। अच्छा। फिर ये ब्रांच ओपन होगी, ये हमारे घर के करीब है, फिर अब हम इधर आते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, मैार भी अच्छा। मुतमिन है? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इरफान बशीर। इरफान साहब, ये बताइए कि आप खाना खा चुके हैं या खाना है अभी? नहीं, हमने अभी ऑर्डर किया हुआ। अच्छा, अभी ऑर्डर किया, इंतज़ार में है जी। तो आप पहले यहाँ पे आते रहते? जी हम आप कंटिन्यूसली 5 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा जी, तो कैसा है? पहले जहाँ पे ट्रक अड्डे भी इनका जो थे, हम पहले वहाँ पे जाते थे। अब जब से यहाँ फ्रेंचाइज आई, अब हम यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे आ जी। ठीक है, तो इनका टेस्ट, इनका म्यार? इनका माशाल्लाह टेस्ट और क्वालिटी, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, हमारे सामने ये पहले काटेंगे बनाएंगे, फिर उधर सामने इसको कुक किया जाएगा। कुक किया जाएगा बिल्कुल, और इसमें क्वालिटी की एश्योरेंस और टेस्ट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी। ठीक है जी, आप अपना इंजॉय करें जी। थैंक यू खाने को, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। आपका नाम? बिलाल। बिलाल साहब, आप सब दोस्त हैं माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, सब लोग आ रहे हैं, अभी खाने के इंतजार में है। जी जी बिल्कुल। जी कैसा टेस्ट है इनका? इनका बहुत ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। तो जी अच्छा, इंजॉय करें आप अपने खाने को। जी जी बिल्कुल, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अलियास दुबा कढ़ाई गुलशन रावी ये एक बहुत ही मशहूर यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और यहाँ का माहौल भी बड़ा ही यूनिक किस्म का है, साथ में एक रूहानी किस्म की महफिल भी इसमें बपा है। तो खाने के साथ साथ अगर ये चीज़ मिल जाए तो मेरा ख़्याल है कि इसकी कोई मिसाल और कहीं पे नहीं मिलती। तो आप भी तशरीफ लाएँ गुलशन रावी अलियास दुबा कढ़ाई। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी शौकत महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।